हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं बेबी फ्रॉक। ये मैं नेटली हूँ, ये मेरा अस्तर है। ये हम कॉटन का अस्तर लिए हैं, आप चाहें तो सिल्क का भी अस्तर ले सकते हैं। ये नेट है, ये 2 मीटर नेट है, इससे हम बेबी फ्रॉक बनाएंगे। तो सबसे पहले हम अस्तर की कटिंग कर लेंगे, नीचे स्कर्ट की। ये हम 2 साल के बच्चों के लिए बना रहे हैं। ये डबल फोल्ड है। हम इस साइड से, ये जॉइंट साइड से हम नाप लेंगे। हम 6 इंच ऊपर होल के लिए 6 इंच, यहाँ से हम नीचे 10 इंच, स्कर्ट की लंबाई 10 इंच होगी। देखिए फ्रेंड्स, ये हम कट कर चुके हैं। ये कट हो चुका है अस्तर, अब हम नेट काटेंगे। इसकी लंबाई, हम स्कर्ट की लंबाई 16 इंच रख रहे हैं। स्कर्ट की लंबाई हम 16 इंच रखेंगे नीचे साइड में। इसकी चौड़ाई हम 48 इंच है। 16 इंच पे हम टिक करके इसकी लंबाई यहां से हम कट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसकी लंबाई 48 इंच है। इसकी चौड़ाई 48 इंच है, लंबाई इसकी 16 इंच है। ये हम डबल पीस, ये 2 पीस है, ये हम 2 पीस कट करके रखेंगे। इसका हम चुन्नट बना लेंगे, नीडल की सहायता से हम इसकी चुन्नट बना लेंगे। ध्यान रहे, उल्टा सीधा हम देख लेंगे। यहां से हम चुन्नट बनाना शुरू करेंगे, हम ऐसे चुन्नट बना लेंगे। ऐसे करके हम चुन्नट बना लेंगे दोनों पीस का। देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों पीस रेडी कर चुके हैं। ये चुन्नट भी बन चुका है दोनों पीस में। अब हम इन दोनों पीस को जॉइंट कर लेंगे एक ही में। ये हम दोनों राइट साइड इसका बीच में रख लेंगे। ये साइड से हम सिल लेंगे इसको। यहाँ से हम दोनों जॉइंट कर लेंगे एक ही में। ये हम जॉइंट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम बीच से ज्वाइंट कर लिए, इन दोनों पीस को एक ही में ज्वाइंट कर चुके हैं। अब ये अस्तर, ये मेरा अस्तर है।
हम अस्तर को ऐसे रखेंगे, ऊपर से इसको ऐसे रख लेंगे। ऐसे हम ऐसे रख के ये अस्तर छोटा ही रहता है नेट से, ये देखिए अस्तर। अब इसे हम पिन से सिक्योर कर लेंगे कि ये फिसले ना, कि हमें सिलने में कोई प्रॉब्लम ना आए। हम पिन से सिक्योर कर लेते हैं पूरे नेट को। देखिए फ्रेंड्स, ये हम पिन से सिक्योर कर लिए हैं इसे। अब इसमें हम सिलाई चला देंगे, यहाँ से हम सिलाई चला देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये सिल के रेडी है, हम इसमें ज्वाइन कर लिए इसे। अब ऊपर का हम ये स्कर्ट रेडी है, अब ऊपर का हम टॉप रेडी कर लेंगे। ये पीस लिखे हैं, इससे हम ऊपर का टॉप बनाएंगे। 12 इंच है ये पूरा कपड़ा, 12 इंच है। शोल्डर हम 6 इंच रखेंगे, आर्म होल 4 इंच, चेस्ट हम 7 इंच, चेस्ट 7 इंच रखते हैं। यहाँ से हम सेवन इंच पे हम करेंगे। यहाँ से हम कट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हम आर्म होल कट कर चुके हैं। अब ये बीच से कट कर लेंगे। बीच से कट करके ये दोनों पीस अलग हो गया। अब इस पीस को हम रख के नेट की कटिंग कर लेंगे। ये मेरा नेट है, ये हम 4 फोल्ड में रखे हैं। ये हम नेट बराबर कर लेंगे। अब इस अस्तर को हम रख के इससे कट कर लेंगे। ये हम अस्तर बराबर रख लेंगे, अब इसे हम कट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये नेट हम कट कर चुके हैं। ये मेरा अस्तर है, दोनों दो दो पीस है। अब इसे हम एक अस्तर लेंगे और एक नेट लेंगे। हम यह नेट को हम ऐसे हम सीधा बीच में रखेंगे। ये देखिए, ये मेरा सीधा साइड है, इसे हम बीच में रखेंगे। इसको हम ऐसे रखेंगे, बराबर एकदम हम कर लेंगे इसे। अब इसको हम यहाँ से, हम इसे यहाँ से हम सिलना शुरू करेंगे। मैं ऐसे पूरा यहाँ से, ये मेरा खुला साइड रहेगा, ये हम इसे खुला रखेंगे। पूरा हम यहाँ से सिलना शुरू करेंगे, हम पूरा सिल लेंगे। दोनों पीस हम ऐसे ही सिल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हम दोनों पीस रेडी कर चुके हैं। ये हम इसको सिल के उलट भी लिए हैं, सीधा कर लिए हैं। सीधा करके इस पर हम सिलाई चला देंगे आर्म होल पे दोनों साइड में। ये दोनों रेडी है मेरा। अब हम आगे के पीस में, कि मेरा आगे का पीस से कोई भी आगे एक पीस ले लेंगे, दोनों बराबर है। इसे हम आगे हम डिजाइन बनाएंगे पट्टी डालने के लिए। इसको हम फोल्ड कर लेंगे। ये मैंने पीस लिया, छोटा सा टुकड़ा लिया है, इसे हम पीस वो फोल्ड कर लेंगे। फाइव इंच पे हम टिक कर लेंगे, फाइव इंच पे हम टिक कर लेंगे इसको।
लाइन स्ट्रेट कर लेंगे इसका। यहाँ से हम हाफ इंच ऐसे टेढ़ा करके ले जाएंगे, इस साइड से भी हाफ इंच, या हम ऐसे पकड़ के, यहाँ से हम ऐसे पकड़ के सिल लेंगे। इस पीस पे हम आगे वाले पीस पे, ये मेरा आगे का पीस है, इस पे हम बीचों बीच बीच में हम रखेंगे, बीच में रख के यहाँ से सिलना शुरू करेंगे, इस कोने से, ये बीच में नहीं, इस कोने से, यहाँ से इस वाले टिक पे हम सिलना शुरू करेंगे, यहाँ से इधर से इसको हम सिल लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हम रेडी कर चुके हैं, ये हम गला रेडी कर चुके हैं, ये दोनों पीस है। इसको अब हम 1 इंच के करीब में ऐसे फोल्ड कर लेंगे, ऐसे हम 1 इंच के करीब में ऐसे हम फोल्ड कर लेंगे। पीछे साइड में भी हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे। देखिए, हम आगे का भी पीस दोनों में ऐसे फोल्ड कर लेंगे, फिर यहाँ से हम ऐसे हम सिलाई चला लेंगे। हम उल्टा इसको उल्टा करके सिलाई चलाएंगे, जो पहले टिक लगाए थे उसी टिक पे हम सिलाई चलाएंगे। इधर का ओपन रखेंगे हम, एक साइड का हम सिलाई चलाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये सिल के रेडी है। यहाँ से हम ज्वाइंट कर लिए हैं इसे, दोनों पीस एक ही में ज्वाइंट हो गया है, ये एक साइड का खुला है। अभी हम, ये मेरा नीचे का स्कर्ट है, इसको हम ऐसे सीधा रखेंगे, अब इसे हम सीधा रखेंगे, इसको हम ऐसे रखेंगे, इसको ऐसे घुमा के यहाँ से हम ऐसे सिलना शुरू करेंगे। यहाँ से हम यहाँ सिल लेंगे, इसे यहाँ सिल लेते हैं, फिर इसे हम जॉइंट कर लेंगे साइड से। ये हमें सीधा करने के बाद, ऐसे सिलने के बाद, हम यहाँ से सिलना शुरू करेंगे। यहाँ से हम जॉइंट कर लेंगे दोनों पीस को एक ही में, पहले ये सिल के ये जॉइंट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये सिल के रेडी, हम दोनों साइड का सिल चुके हैं। ये देखिए फ्रॉक रेडी है। अब हम यहाँ ये हम डोरी डाल लेंगे, ये हम डोरी बना के रखे हैं, इसे हम पिन के सहायते से हम यहाँ से डालना शुरू करेंगे। यहाँ फिर हम पीछे साइड में डाल लेंगे ऐसे करके। यहाँ हम बांध करके डिजाइन बना देंगे, आप चाहे जैसा डिजाइन बना डाल सकते हैं इसमें। ये देखिए अच्छा से, ये फ्रॉक बन के, बेबी फ्रॉक बन के रेडी है। ये देखिए बैक साइड का, ये आप चाहे तो नीचे पीको भी कर सकते हैं, और ये अस्तर का भी पीको कर सकते हैं, लेकिन दिख नहीं रहा, मैं ऐसे ही रहने दिए हैं। ये फ्रॉक